नमस्कार, वंदे भारत न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पूजा सिंह। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि वर्षों का इंतजार आज खत्म हुआ। 500 वर्षों के संघर्ष के बाद आज वो शुभ दिन आ ही गया है जब अयोध्या में श्री राम मंदिर में भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है और संकल्प का प्रतीक है। और सुनवाते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अपने संबोधन में क्या कुछ कह रहे हैं। तर्पण भी था, संघर्ष भी था, संकल्प भी था। जिनके त्याग, बलिदान और संघर्ष से आज ये स्वप्न साकार हो रहा है, जिनकी तपस्या राम मंदिर में नींव की तरह जुड़ी हुई है, मैं उन सब लोगों को 130 करोड़ देशवासियों की तरफ से सर झुका करके नमन करता हूं, उनका वंदन करता हूं। संपूर्ण सृष्टि की शक्तियां राम जन्मभूमि के पवित्र आंदोलन से जुड़ा हर व्यक्तित्व जो जहां है इस आयोजन को देख रहा है, वो भाव विभोर है, सभी को आशीर्वाद दे रहा है। साथियों, राम हमारे मन में गढ़े हुए हैं, हमारे भीतर धूल मिल गए हैं। कोई काम करना हो तो प्रेरणा के लिए हम भगवान राम की ओर ही देखते हैं। आप भगवान राम की अद्भुत शक्ति देखिए। इमारतें नष्ट हो गई, क्या कुछ नहीं हुआ। अस्तित्व मिटाने का हर कोई प्रयास हुआ, बहुत हुआ, लेकिन राम आज भी हमारे मन में बसे हैं। हमारी संस्कृति के आधार है श्री राम, भारत की मर्यादा है श्री राम, मर्यादा पुरुषोत्तम है। इसी आलोक में अयोध्या में राम जन्मभूमि पर श्री राम के इस भव्य दिव्य मंदिर के लिए आज भूमि पूजन हुआ है। यहां आने से पहले मैंने हनुमान गढ़ी का दर्शन किया। राम के सब काम हनुमान ही तो करते हैं। राम के आदर्शों की कलयुग में रक्षा करने की जिम्मेदारी भी हनुमान जी की ही है। हनुमान जी के आशीर्वाद से श्री राम मंदिर भूमि पूजन का आयोजन शुरू हुआ है। साथियों, श्री राम का मंदिर हमारी संस्कृति का आधुनिक प्रतीक बनेगा। और मैं जानबूझकर के आधुनिक शब्द का प्रयोग कर रहा हूं। हमारी शाश्वत आस्था का प्रतीक बनेगा, हमारी राष्ट्रीय भावना का प्रतीक बनेगा। और ये मंदिर करोड़ों करोड़ लोगों की सामूहिक संकल्प शक्ति का भी प्रतीक बनेगा। ये मंदिर आने वाली पीढ़ियों को आस्था, श्रद्धा और संकल्प की प्रेरणा देता रहेगा।
इस मंदिर के बनने के बाद अयोध्या की सिर्फ भव्यता ही नहीं बढ़ेगी, इस क्षेत्र का पूरा अर्थतंत्र भी बदल जाएगा। यहां हर क्षेत्र में नए अवसर बनेंगे, हर क्षेत्र में अवसर बढ़ेंगे। सोचिए, पूरी दुनिया से लोग यहां आएंगे, पूरी दुनिया प्रभु राम और माता जानकी का दर्शन करने आएगी। कितना कुछ बदल जाएगा यहां। साथियों, राम मंदिर के निर्माण की ये प्रक्रिया राष्ट्र को जोड़ने का उपक्रम है, ये महोत्सव है विश्वास को विद्यमान से जोड़ने का, नर को नारायण से जोड़ने का, लोक को आस्था से जोड़ने का, वर्तमान को अतीत से जोड़ने का और स्व को संस्कार से जोड़ने का। आज के इस ऐतिहासिक पल युगों युगों तक, दिगंत तक भारत की कीर्ति पताका फहराते रहेंगे। आज का ये दिन करोड़ों राम भक्तों के संकल्प की सत्यता का प्रमाण है। आज का ये दिन सत्य, अहिंसा, आस्था और बलिदान को न्यायप्रिय भारत की एक अनुपम भेंट है। कोरोना से बनी स्थितियों के कारण भूमि पूजन का ये कार्यक्रम अनेक मर्यादाओं के बीच हो रहा है। श्री राम के काम में मर्यादा का जैसा उदाहरण प्रस्तुत किया जाना चाहिए, देश ने वैसा ही उदाहरण प्रस्तुत किया है। इसी मर्यादा का अनुभव हमने तब भी किया था जब माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपना ऐतिहासिक फैसला सुनाया था। हमने तब भी देखा था कि कैसे सभी देशवासियों ने शांति के साथ सभी की भावनाओं का ध्यान रखते हुए व्यवहार किया था। आज भी हम हर तरफ वही मर्यादा देख रहे हैं। साथियों, इस मंदिर के साथ सिर्फ नया इतिहास ही नहीं रचा जा रहा, बल्कि इतिहास खुद को दोहरा भी रहा है। जिस तरह गिलहरी से लेकर वानर और केवड़ से लेकर वनवासी बंधुओं को भगवान राम के विजय का माध्यम बनने का सौभाग्य मिला, जिस तरह छोटे छोटे ग्वालों ने भगवान श्री कृष्ण द्वारा गोवर्धन पर्वत उठाने में बड़ी भूमिका निभाई, जिस तरह मावड़े छत्रपति वीर शिवाजी की स्वराज स्थापना के निमित्त बने, जिस तरह गरीब पिछड़े विदेशी आक्रांताओं के साथ लड़ाई में महाराजा सुहेलदेव के संबल बने, जिस तरह दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों, समाज के हर वर्ग ने आजादी की लड़ाई में गांधी जी को सहयोग दिया, उसी तरह आज देश भर के लोगों के सहयोग से राम मंदिर निर्माण का ये पुण्य कार्य प्रारंभ हुआ है।
हम जानते हैं, जैसे पत्थरों पर श्री राम लिखकर, पत्थरों पर श्री राम लिखकर राम सेतु बनाया गया, वैसे ही घर घर से, गांव गांव से श्रद्धापूर्वक पूजी शिलाएं यहां ऊर्जा का स्रोत बन गई है। देश भर के धामों और मंदिरों से लाई गई मिट्टी और नदियों का पवित्र जल वहां के लोगों की, वहां की संस्कृति और वहां की भावनाएं आज यहां की एक अमोघ शक्ति बन गई है। वाकई वाकई ये न भूतो न भविष्यति है। भारत की आस्था, भारत के लोगों की सामूहिकता और इस सामूहिकता की अमोघ शक्ति पूरी दुनिया के लिए अध्ययन का विषय है, शोध का विषय है। साथियों, श्री रामचंद्र को तेज में सूर्य के समान, क्षमा में पृथ्वी के तुल्य, बुद्धि में बृहस्पति के सदस्य और यश में इंद्र के समान माना गया है। श्री राम का चरित्र सबसे अधिक जिस केंद्र बिंदु पर घूमता है वो है सत्य पर अड़िग रहना। इसलिए ही श्री राम संपूर्ण है, इसलिए ही वो हजारों वर्षों से भारत के लिए प्रकाश स्तंभ बने हुए हैं। श्री राम ने सामाजिक समरसता को अपने शासन की आधारशिला बनाया था। उन्होंने गुरु वशिष्ठ से ज्ञान, केवट से प्रेम, सबरी से मातृत्व, हनुमान जी एवं वनवासी बंधुओं से सहयोग और प्रजा से विश्वास प्राप्त किया। यहां तक कि एक गिलहरी की महत्ता को भी उन्होंने सहर्ष स्वीकार किया। उनका अद्भुत व्यक्तित्व, उनकी वीरता, उनकी उदारता, उनकी सत्यनिष्ठा, उनकी निर्भीकता, उनका धैर्य, उनकी दृढ़ता, उनकी दार्शनिक दृष्टि युगों युगों तक प्रेरित करते रहेंगे। राम प्रजा से एक समान प्रेम करते हैं, लेकिन गरीबों और दीन दुखियों पर उनकी विशेष कृपा रहती है। और इसीलिए तो माता सीता राम जी के लिए कहती हैं, दीन दयाल बिरिदु संभारी, यानी जो दीन है, जो दुखी हैं, उनकी बिगड़ी बनाने वाले श्री राम है। साथियों, जीवन का ऐसा कोई पहलू नहीं है जहां हमारे राम प्रेरणा न देते हो। भारत की ऐसी कोई भावना नहीं है जिसमें प्रभु राम झलकते न हो। भारत की आस्था में राम है, भारत के आदर्शों में राम है, भारत की दिव्यता में राम है, भारत के दर्शन में राम है। हजारों साल पहले वाल्मीकि रामायण जो राम प्राचीन भारत का प्रदर्शन कर रहे थे, जो राम मध्ययुग में तुलसी, कबीर और नानक के जरिए भारत को बल दे रहे थे, वही राम आजादी की लड़ाई के समय बापू के भजनों में अहिंसा और सत्याग्रह के। एक भी पंसस नहीं हुए उपस्थित।
सुगोली से शंभु शरण की रिपोर्ट। सिगोली प्रखंड प्रमुख और उप प्रमुख पर विरोधी पंसस के द्वारा लगाया गया अविश्वास प्रस्ताव शून्य मत से खारिज हो गया। मत विभाजन के केंद्र रहा है राम की यही सर्वव्यापकता, भारत की विविधता में एकता का जीवन चरित्र है। तमिल में कंब रामायण तो तेलुगु में रघुनाथ और रंगनाथ रामायण है, उड़िया में रुईपाद कातेड़पदी रामायण है, तो कन्नड़ा में कुमुदेंदु रामायण है। आप कश्मीर जाएंगे तो आपको रामावतार चरित मिलेगा, मलयालम में रामचरितम मिलेगी, बांग्ला में कृतिवास रामायण है, तो गुरु गोविंद सिंह जी ने तो खुद गोविंद रामायण लिखी है। अलग अलग रामायणों में अलग अलग जगहों पर राम भिन्न भिन्न रूपों में मिलेंगे, लेकिन राम सब जगह हैं, राम सबके हैं। इसलिए राम भारत की अनेकता में एक तरह के सूत्र है। साथियों, दुनिया में कितने ही देश राम के नाम का वंदन करते हैं, वहां के नागरिक खुद को श्री राम से जुड़ा हुआ मानते हैं। विश्व की सर्वाधिक मुस्लिम जनसंख्या जिस देश में है वो है इंडोनेशिया। वहां हमारे देश की तरह काकाविन रामायण, स्वर्णदीप रामायण, योगेश्वर रामायण जैसी कई अनूठी रामायण है। राम आज भी वहां पूजनीय है। कंबोडिया में रमकेर रामायण है, लाओ में फ्रालाक फ्रालाब रामायण है, मलेशिया में हिकायत सेरी राम, तो थाईलैंड में रामाकेन है। आपको ईरान और चीन में भी राम के प्रसंग तथा राम कथाओं का विवरण मिलेगा। श्रीलंका में रामायण की कथा जानकी हरण के नाम सुनाई जाती है, और नेपाल का तो राम से आत्मीय संबंध माता जानकी से जुड़ा है। ऐसे ही दुनिया के और न जाने कितने देश हैं, कितने छोर हैं, जहां की आस्था में या अतीत में राम किसी न किसी रूप में रचे बसे हैं। आज भी भारत के बाहर दर्जनों ऐसे देश हैं जहां वहां की भाषा में राम कथा आज भी प्रचलित है। मुझे विश्वास है कि आज इन देशों में भी करोड़ों लोगों को राम मंदिर के निर्माण का काम शुरू होने से बहुत सुखद अनुभूति हो रही होगी। आखिरकार राम सबके हैं, राम सब में है। साथियों, मुझे विश्वास है कि श्री राम के नाम की तरह ही अयोध्या में बनने वाला भव्य राम मंदिर भारतीय संस्कृति की समृद्ध विरासत का द्योतक होगा। मुझे विश्वास है कि यहां निर्मित होने वाला राम मंदिर अनंत काल तक पूरी मानवता को प्रेरणा देगा। इसलिए हमें यह भी सुनिश्चित करना है कि भगवान श्री राम का संदेश, राम मंदिर का संदेश, हमारी हजारों सालों की परंपरा का संदेश कैसे पूरे विश्व तक निरंतर पहुंचे, कैसे हमारे ज्ञान,
हमारी जीवन दृष्टि से विश्व परिचित हो, ये हमारी वर्तमान और हमारी भावी पीढ़ियों की विशेष जिम्मेदारी है। इसी को समझते हुए आज देश में भगवान राम के चरण जहां जहां पड़े वहां राम सर्किट का निर्माण किया जा रहा है। अयोध्या तो भगवान राम की अपनी नगरी है, अयोध्या की महिमा तो खुद प्रभु श्री राम ने कही है, जन्मभूमि मम पुरी सुहावनी। यहां राम कह रहे हैं मेरी जन्मभूमि अयोध्या अलौकिक शोभा की नगरी है। मुझे खुशी की आज प्रभु राम की जन्मभूमि की भव्यता दिव्यता बढ़ाने के लिए कई ऐतिहासिक काम हो रहे हैं। साथियों, हमारे यहां शास्त्रों में कहा गया है, न राम सदस्य राजा पृथ्व्याम नीतिवान अभूत, यानी कि पूरी पृथ्वी पर श्री राम के जैसा नीतिवान शासक कभी हुआ ही नहीं। श्री राम की शिक्षा है, नहीं दरिद्र को दुखी न दीना, कोई भी दुखी न हो, गरीब न हो। श्री राम का सामाजिक संदेश है, पहुष्ट नर नारी कह समाज उत्सव शोभितः। नर नारी सभी समान रूप से सुखी हो, भेदभाव नहीं। श्री राम का निर्देश है, कच्चित ते दयति है सर्वे है कृषि गोरक्ष जीविना, किसान पशुपालक सभी हमेशा खुश रहे। श्री राम का आदेश है, कश्चित वृद्धांच बालांच वैद्यान मुखान राघव त्रिभी ऐते बुभूष से, बुजुर्गों की बच्चों की चिकित्सकों की सदैव रक्षा होनी चाहिए। ये कोरोना ने हमको बराबर सिखा दिया है। श्री राम का आह्वान है, जो सभित आवा सरनाई रखी हूं ताही प्राण की नाई, जो शरण में आए उसकी रक्षा करना सभी का कर्तव्य है। श्री राम जी का ही यह संदेश है, श्री राम जी का भी कमिटमेंट है, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, अपनी मातृभूमि स्वर्ग से भी बढ़कर होती है। और भाइयों बहनों, ये भी श्री राम की नीति है, और वो क्या है, भय बिनु होई न प्रीति। इसलिए हमारा देश जितना ताकतवर होगा उतनी ही प्रीति और शांति भी बनी रहेगी। राम की यही नीति, राम की यही रीति सदियों से भारत का मार्गदर्शन करती रही है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने इन्हीं सूत्रों इन्हीं मंत्रों के आलोक में राम राज्य का सपना देखा था। राम का जीवन उनका चरित्र ही गांधी जी के राम राज्य का रास्ता है। साथियों, स्वयं प्रभु श्री राम ने कहा है, देश काल अवसर अनुआहरी बोले वचन बिनित बिचारी, अर्थात राम समय स्थान और परिस्थितियों के हिसाब से बोलते हैं, सोचते हैं करते भी हैं। राम हमें समय के साथ बढ़ना सिखाते हैं, समय के साथ चलना सिखाते हैं,
राम परिवर्तन के पक्षगर है, राम आधुनिकता के पक्षगर है। उनकी इन्हीं प्रेरणाओं के साथ, श्री राम के आदर्शों के साथ भारत आज आगे बढ़ रहा है। साथियों, प्रभु श्री राम ने हमें कर्तव्य पालन की सीख दी है। अपने कर्तव्यों को कैसे निभाएं, इसकी सीख दी है। उन्होंने हमें विरोध से निकलकर बोध और शोध का मार्ग दिखाया है। हमें आपसी प्रेम और भाईचारे के जोड़ से राम मंदिर की इन शिलाओं को जोड़ना है। हमें ध्यान रखना है, जब जब मानवता ने राम को माना है, विकास हुआ है। जब जब हम भटके हैं, विनाश के रास्ते खुले हैं। हमें सभी की भावनाओं का ध्यान रखना है। हमें सबके साथ से, सबके विश्वास से सबका विकास करना है। अपने परिश्रम, अपनी संकल्प शक्ति से एक आत्मविश्वासी और आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करना है। साथियों, तमिल रामायण में श्री राम कहते हैं, कालम तान इंड इनुम इरितु पोलाम, भाव ये कि अब देरी नहीं करनी है, अब हमें आगे बढ़ना है। आज भारत के लिए भी, हम सबके लिए भी भगवान राम का यही संदेश है। मुझे विश्वास है हम सब आगे बढ़ेंगे, देश आगे बढ़ेगा। भगवान राम का ये मंदिर युगों युगों तक मानवता को प्रेरणा देता रहेगा, मार्गदर्शन करता रहेगा। वैसे कोरोना की वजह से जिस तरह के हालात है, प्रभु राम का मर्यादा का मार्ग आज और अधिक आवश्यक है। वर्तमान की मर्यादा है 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी। मर्यादाओं का पालन करते हुए सभी देशवासियों को प्रभु राम, माता जानकी स्वस्थ रखे, सुखी रखे, यही प्रार्थना है। सभी देशवासियों पर माता सीता और श्री राम का आशीर्वाद बना रहे, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ सभी देशवासियों को एक बार फिर कोटि कोटि बधाइयां। मेरे साथ पूरे भक्ति भाव से बोलिए, सियापति रामचंद्र की, सियापति रामचंद्र की, सियापति रामचंद्र की। बहुत बहुत धन्यवाद। हम अपने माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रति विनम्रता पूर्वक आभार व्यक्त करता हूं, करते हैं हम सब लोग। वे अब हमसे विदाई लेना चाहते हैं, हम सब कृपया खड़े होकर सम्मान पूर्वक उनको, नृत्यगोपाल दास जी महाराज जी भी आपको पहले हम प्रधानमंत्री जी को यहाँ से विदा होने दें, तब तक यहीं विराजे, यहाँ से फिर हम मंदिर के दर्शन करने जा सकते हैं बाहर, लेकिन थोड़ा रुकें और बाहर निकलते समय भी एक एक करके निकलें, दूरियां बराबर रखें, वाहन भी आने में थोड़ा समय लगेगा, आप किसी भी प्रकार की जल्दी न करें, कृपया यहीं विराज जी आइए, कृपया यहीं आसन ग्रहण करिए। जानकी दास जी महाराज, जगन्नाथ दास जी महाराज, कृपया पीछे से मंच पर आ जाएं और महाराज जी को
अभी बाहर की ओर न जाकर आपस में ही मिल ले। बहुत दिनों बाद भेंट हुई होगी, भगवान के दर्शन करें। ऐतिहासिक क्षण में प्रधानमंत्री का ऐतिहासिक उद्बोधन, जिसमें मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के प्रति अटूट श्रद्धा भाव तो था ही, साथ ही साथ भगवान श्री राम के राम राज्य की संकल्पना को साकार करने की प्रतिबद्धता भी दिखी। आज जय सिया राम के अनुबूझ से विश्व के गुंजायमान होने का दिन था। आज भारतीयता के सार्वकालिक सार्वभौमिक शंखनाद का दिन है। आज अयोध्या की महिमा और गरिमा की पुनर्स्थापना का दिन है। आज भारत के सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के संक्रांति का दिन है। आज जननी जन्मभूमि के लिए सर्वस्व न्योछावर कर देने की प्रतिबद्धता के प्रगाढ़ होने का दिन है। आज कोटि-कोटि पुत्रों के सकल मनोरथ सिद्धि होने का दिन है, और संकल्प से सिद्धि का मंत्र लिए और अजय्याम च विश्वस्य देही शक्तिम सुशीलम जगद्येन नम्रम भवेत, यानी कि हे प्रभु हमें ऐसी शक्ति दे जिससे विश्व में कोई चुनौती न दे। अभी आपने सुना कि प्रधानमंत्री जी ने अपने संबोधन में क्या कुछ कहा। प्रधानमंत्री जी ने कुछ विशेष मुद्दों को उठाया, जैसे कि अयोध्या में टूरिज्म को लेकर। अयोध्या में श्री राम मंदिर बनने से, श्री राम जी की प्राण प्रतिष्ठा होने से अयोध्या में टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा, जिसकी आर्थिक व्यवस्था में मदद मिलेगी। उन्होंने हाईकोर्ट के फैसले को भी याद किया। उन्होंने बताया कि जिस दिन हाई कोर्ट ने यह फैसला सुनाया था कि भगवान श्री राम का मंदिर बनेगा, उस दिन सभी धर्म के लोगों ने शांति व्यवस्था बनाए रखी थी, सभी लोगों ने अपनी एकता दिखाई थी। उसी तरह आज भी प्राण प्रतिष्ठा के दिन सभी लोगों में एकता देखी जा रही है। नरेंद्र मोदी जी ने सभी को यह भी जानकारी दी कि भगवान श्री राम सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में जाने जाते हैं। अलग अलग देशों में वो अलग अलग नामों से जाने जाते हैं। उन्होंने कई देशों का विवरण भी दिया, जैसे इंडोनेशिया, चीन, थाईलैंड और नेपाल और श्रीलंका से तो श्री राम का अलग ही नाता है। उन्होंने उस समय को भी याद किया जब भगवान श्री राम श्रीलंका जाने के लिए सेतु बनाना चाहते थे, तब सभी लोगों ने मिलकर उनकी मदद की। बंदर से लेकर गिलहरी तक उनके साथ थी। उसी तरह आज भी हर छोटा बड़ा इंसान, चाहे वो ब्राह्मण हो, दलित हो, आदिवासी हो, सभी ने आज भी एकजुट होकर श्री राम मंदिर में अपना योगदान दिया है। जैसे तब पत्थर पत्थर पर राम लिखकर सेतु बनाया गया था, ऐसे आज भी देश भर की मिट्टी और नदियों का जल एक हुआ और प्रभु श्री राम के इस मंदिर में सबने अपना अपना योगदान दिया। कौशल्या हितकारी, हर्षित महतारी, मुनिमन हारी, अद्भुत रूप विचारी। माननीय प्रधानमंत्री महोदय, विराजमान रामलला की आरती के पश्चात उन्हें माल्यार्पण करके अपनी श्रद्धा निवेदित करते हुए बहुत ही श्रद्धा और भक्तिभाव के साथ माननीय प्रधानमंत्री विराजमान रामलला और उनके भाइयों की पूजन अर्चन करते हुए, ये श्रद्धा की ही नहीं वो घड़ियां हैं, ये भारतीय संस्कृति का एक ऐसा अनूठा चित्र है जो संपूर्ण विश्व में मानवता का एक संदेश अयोध्या की नगरी से निकलकर जा रहा है। Thank you.
जब नहीं रहना तो कैसे काम। रामलला के दर्शन और पूजा अर्चना के बाद अब माननीय प्रधानमंत्री मुख्य पूजा स्थल की ओर जा रहे हैं, जहां पर अब से कुछ देर बाद अभिजीत मुहूर्त में भूमि पूजन का कार्यक्रम होगा। प्रधानमंत्री के साथ उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। ये बहुत ही ऐतिहासिक और दिव्य अवसर, और यहाँ पर वृक्षारोपण का कार्यक्रम है। पारिजात का वृक्ष प्रधानमंत्री लगा रहे हैं। भारतीय संस्कृति में वृक्षारोपण का खास महत्व है, और रामलला परिसर में प्रधानमंत्री इसके माध्यम से संदेश भी देना चाहते हैं, प्रकृति की रक्षा का, पर्यावरण को बचाने का, हरियाली को कायम रखने का, और साथ ही साथ आने वाले समय में जैसे जैसे मंदिर का निर्माण कार्य आगे बढ़ेगा, वैसे वैसे ये वृक्ष भी अपनी आभा को प्राप्त करेगा। और ये प्रतिबद्धता है पर्यावरण के प्रति हमारे संरक्षण की। पर्यावरण संरक्षण का मूल मंत्र हमारी सनातन संस्कृति के मूल में ही है। हम कहते हैं, समुद्र वसने देवी पर्वत स्तन मंडले विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम पाद स्पर्शम क्षमस्वमेव। पृथ्वी को हम माता मानते हैं, और यहाँ पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रामलला के परिसर में पारिजात वृक्ष का उन्होंने पौधारोपण किया है। पारिजात वृक्ष स्वयं स्वर्ग से लाया गया वृक्ष माना जाता है। पारिजात वृक्ष को माता कुंती ने अर्जुन से कहा कि पुष्प की, पारिजात के पुष्प से उनकी पूजा करने की मनोकामना और आराधना है, और ये बेहद विलक्षण अद्भुत और बेहद कम संख्या में पाया जाने वाला वृक्ष माना जाता है। पर्यावरण संरक्षण के साथ ही साथ सनातन संस्कृति की परंपरा और भूमि के, पृथ्वी को माता के स्वरूप में और पर्यावरण और समूचे ग्रह को मानव आवास के रूप में सर्वोत्तम रूप प्रदान करने के लिए एक उदाहरण प्रस्तुत करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पौधारोपण किया पारिजात के वृक्ष का, रामलला मंदिर के विराजमान और साथ ही साथ इस मुख्य कार्यक्रम स्थल पर। रामायण में लिखी ये चौपाई, पुनी पुनी कितने हो सुने सुनाए, हिये की प्यास बुझत न बुझाए। सुलहाने सच है, राम रस का पान कितनी बार भी क्यों न किया जाए, मन है कि भरता ही नहीं। राम सिर्फ एक नाम नहीं है, राम मात्र दो अक्षर नहीं है, राम हिंदुस्तान की सांस्कृतिक विरासत हैं, राम हमारी एकता और अखंडता हैं, राम हमारी आस्था और अस्मिता के सर्वोत्तम प्रतीक हैं। और अब माननीय प्रधानमंत्री वृक्षारोपण के बाद पूजा स्थली की ओर जा रहे हैं, जहां पर अभिजात मुहूर्त में भूमि पूजन और राम मंदिर के शिलान्यास का कार्यक्रम होना है। भगवान राम अवतार होकर भी चमत्कार नहीं करते, हर परिस्थिति के अनुकूल आचरण करके वह हमेशा पुरुषों में उत्तम बने रहते हैं। एक आम आदमी के संघर्षों, कष्टों, विसंगतियों को वो जीते हैं और मर्यादा को कभी भंग नहीं होने देते। बस यही आचरण उन्हें अनुकरणीय बनाता है। भगवान राम ने कभी कोई उपदेश नहीं दिया,
उन्होंने कोई ग्रंथ नहीं लिखा, उन्होंने मात्र एक साधारण मानव की भांति असाधारण रूप से धैर्य, शील और मर्यादा का पालन करते हुए संपूर्ण जीवन को जिया है। अपनी आपबीती को सामान्य जनमानस उनसे जोड़ता हुआ मान लेता है और अपनी कहानी को वो राम कहानी कह देता है। अपने सुख दुख लाभ हानि सब राम जी के माथे डालकर निश्चिंत हो जाता है। प्रभु श्री राम विपत्ति को भी एक अवसर की तरह लेते हैं। राज तिलक की घोषणा के बाद वनवास दिए जाने पर उन्होंने उस सुअवसर को वनवासियों, आदिवासियों और भीलों को धर्मयुक्त जीवन जीने की शैली सिखाने के लिए लगा दिया। उन्हें परिवार की महत्ता समझाई, भीलों वानरों रीछों के साथ मित्रता करके पूरे भारत को एक सूत्र में बांधते हैं, यानी राम अखंड भारत की कल्पना को साकार करते हैं। राम कोई भी विपरीत परिस्थिति होने पर साहस नहीं खोते, वो धैर्यशील रहते हैं और वो शायद वो सिखाते हैं कि यही आचरण हमें भी करना चाहिए जब हम पर कोई कष्ट या संकट पड़े। दुखों से उबर कर एक विजेता की तरह होने की कला सिखाने वाले का नाम ही राम है, इसीलिए संपूर्ण विश्व राम को भगवान या मानव नहीं एक आचरण मानता है। और इसी मध्य माननीय प्रधानमंत्री महोदय का आगमन हो रहा है उस मुख्य भूमि पूजन स्थल पर जहां पर वैदिक कर्मकांडी आचार्य अपना अपना स्थान ग्रहण करके माननीय प्रधानमंत्री महोदय की प्रतीक्षा कर रहे हैं। और उसी क्षण की आतुरता और व्याकुलता के साथ संत महंत विद्वत जन अतिथि विशिष्ट अतिथि सब लोग उस घड़ी की प्रतीक्षा कर रहे हैं। शायद उनके मुख मुद्रा पर ये जो व्यग्रता ये जो बेचैनी है साफ साफ झलक रही है, क्योंकि अब इतिहास बनने में कुछ ही क्षणों का समय बाकी है। माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा भूमि पूजन के पश्चात जैसे ही शिला रखी जाएगी या आधारशिला रखी जाएगी वैसे ही ये आरंभ हो जाएगा। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री महोदय धीरे धीरे बढ़ते हुए उस तरफ जहां उन्हें भूमि पूजन का कार्यक्रम करना है और आचार्यगण उनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुँच चुके हैं मुख्य कार्यक्रम स्थल पर, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भूमि पूजन करेंगे। सनातन संस्कृति की युगांतकारी घटना के वो साक्षी तो बनेंगे ही, साथ ही साथ वो संक्रांति के नायक होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य पूजा स्थल पर पहुंच चुके हैं। पूर्वाभिमुख होकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भूमि पूजन करेंगे और ये भूमि पूजन देश भर के विशिष्ट आमंत्रित कर्मकांड विशेषज्ञ, अयोध्या और काशी के विद्वत परिषद के गणमान्य व्यक्ति और पुजारी इस संपूर्ण कार्यक्रम को वो संपन्न कराएंगे। ये मुख्य कार्यक्रम स्थल की तस्वीरें हैं जहां पर आप देख सकते हैं कि विशिष्ट आमंत्रित संत महात्माओं को यहां पर बुलाया गया है। भारत के सभी संप्रदायों के 36 संप्रदायों के 135 संत यहाँ पर मौजूद हैं। इनमें आदिवासी वनवासी संत समाज के प्रतिनिधि भी मौजूद हैं, साथ ही साथ संत समाज से इतर अन्य गणमान्य व्यक्तियों को भी बुलाया गया है। ये वही स्थान है जो भविष्य के भावी दिव्यतम मंदिर का गर्भ गृह होगा और रामलला यहीं पर विराजमान होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आसन पर पहुंच चुके हैं और अब वह क्षण आ चुका है जब अभिजीत मुहूर्त में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विधिवत भगवान श्री राम के दिव्यतम भव्यतम मंदिर के निर्माण के लिए भूमि पूजन करेंगे और कार्यारंभ होगा। कलिमलम रामाय कार्यम नमः। रामात्रस्यति कालभेम भुजगो रामस्य सर्वं वशे। रामे भक्तिरखण्डिता भवतु मे, भो राम मामुद्धर, राम त्वमेवाश्रयः। ओंकार प्रौढमूलः क्रमपदसहितः छन्दविस्तीर्णशाखो
मुख्यमंत्री महोदय और मोहन जी के बीच में माननीय राज्यपाल आनंदी बहन पटेल बैठी हैं। सेव्यमान प्रभाते मध्य सायं त्रिकालं सुचरित चरितः पातु वो वेद वृक्षः स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्ताम् व्याजेन मार्गेण महीं महिषाः गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। नमो गुरुभ्यो गुरुपादुकाभ्यो नमः परेभ्यः परपादुकाभ्यः आचार्य सिद्धेश्वर पादुकाभ्यो नमोस्तु लक्ष्मीपति पादुकाभ्यः। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिं वाष्पवारि परिपूर्ण लोचनं मारुतिं नमत राक्षसांतकं मारुतिं नमत राक्षसांतकं। बोलिए राजा रामचंद्र जी भगवान की। महारानी जनक नंदनी श्री जानकी जी की, श्री अवध धाम की, श्री षडजू महारानी की, श्री राम जन्मभूमि की, श्री राम जन्मभूमि महामहोत्सव की, श्री हनुमान जी महाराज की, ग्राम देवता की, क्षेत्र देवता की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, हर हर महादेव। स्वागतम। गोविंद देव गिरी जी महाराज हैं। हस्त प्रक्षालनम् हस्ते जलं गृहीत्वा अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थाङ्गतोऽपि वा यः स्मरेत् पुण्डरीकाक्षं स बाह्याभ्यन्तरः शुचिः। पुण्डरीकाक्षः पुनातु पुण्डरीकाक्षः पुनातु पुण्डरीकाक्षः पुनातु। विष्णुर्विष्णुर्हरिर्हरिः। पवित्री कुशावली रख दीजिए। ओम पवित्रे वैष्णव्यो सवितुर्वः प्रसव उद्गुणाभ्यच्छित्रेण पवित्रेण सूर्यस्य रश्मिभिः तस्य ते पवित्रपते पवित्रपूतस्य यत्कामः पुने तच्छकेयम्। पुनर्हस्ते जलं गृहीत्वा हरिः ॐ। पुनन्तु मा पितरः सोम्यासः पुनन्तु मा पितामहः पुनन्तु प्रपितामहः पवित्रेण शतायुखः पुनन्तु मा पितामहः पुनन्तु प्रपितामहः पवित्रेण शतायुखः विश्वमायुर्व्यश्नवै अग्न आयुर्गुखिपवस आसुवोर्जमिखं च नः आरे बाधस्वदुच्छुनां। पुनन्तु मा देवजनाः पुनन्तु मनसा धियः पुनन्तु विश्वाभूतानि जातवेदः पुनेः मा
पवित्रेण पुरीहिमा शुक्रेण देवदीद्यता अग्ने क्रत्वा क्रतोरनु जत्ते पवित्रमर्चिक्षगिनेभ्यततमन्तरा ब्रह्मतेन पुनातुमा पवमानः सो अध्यनः पवित्रेण विचरे खडिः जह पोता स पुनातुमा उभाभ्यां देव सवितः पवित्रेण सवेन च मां पुनेः विश्वतः वैश्वदेवे पुरते देव्यागाद्यस्यामि मा बह्व्यस्तन्वोऽपीतपृष्ठाः तया मदन्तः सदमादेखुभयगुस्यामपतयोरयेणाम् ॐ मचित्पतिर्मा पुनातु वाग्पतिर्मा पुनातु देवो मा सविता पुनात्वच्छिद्रेण पवित्रेण सूर्यस्य रश्मिभिः तस्य ते पवित्रपदे पवित्रपूतस्य जत्कामः पुने तच्छकेयाम् अपने ऊपर भी और पूजन सामग्री पर जल का सिंचन अपने ऊपर जल का स्पर्श तीन बार जल का स्पर्श करना है आचमन के निमित्त ओम केशवाय नमः ओम नारायणाय नमः ओम माधवाय नमः तिलक लगा लेंगे ओम भद्रं कर्णेभिः श्रेणुया भदेवा भद्रं पश्ये माक्षभिर्जत्राः स्तोभागुसस्तनोभिर्व्यसे महिदेवहितं जदायुः चावल है चावल दो ज्यादा नाम ओम अक्षतान् विप्रहस्ता तु नित्यं ग्रीडन्ति जिनराः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्धैर्यशो बलम् आयुर्विद्यायशो बलम् गणेश जी इत्यादि सभी देवताओं को प्रणाम कर लेते हैं हमारा कार्य निर्विघ्न संपन्न हो और भगवान की परम कृपा हुई है 500 वर्षों की हमारी परंपरा आज का यह पवित्र महामहोत्सव देखने के लिए लालायित रही परंतु भारत माता को आप जैसे सुपुत्र के हाथ से ही यह काम संपन्न करवाना था माता की बहुत बड़ी कृपा हुई अद्भुत कृपा हुई आज संपूर्ण विश्व धन्य है भगवान श्री सीताराम अनंत अनंत ब्रह्मांड के नायक हैं आज केवल मनुष्य ही प्रसन्न नहीं है अनंत अनंत ब्रह्मांडों के अंतर्गत अनंत अनंत कोटि योनियों में रहने वाले जितने भी प्रकार के जीव हैं आज सभी आह्लादित हो रहे हैं सब प्रसन्न हो रहे हैं सब भगवान श्री सीताराम की श्री अभद्रधाम की जय जयकार कर रहे हैं सब आपकी जय जयकार रहे हैं सब भगवान से प्रार्थना करते हैं कि भगवान आपके अंदर में और अधिक शक्ति दें अधिक से अधिक शक्ति प्रदान करें जो आप सात्विकता का वातावरण सर्वत्र फैला दें और देखते ही देखते अतिशीघ्र हम स्वयं राम राज्य का दर्शन करें जय श्री राम गणेश जी आदि का ध्यान हम कर लेंगे पुष्प लेकर हाथ में ओम अविरल मद जल निबहम भ्रमर शतानीक सेवित कपोलम अभिमत फलदातारम कामेशं गणपतिं वंदे विघ्नध्वान्त निवारणैकतर निर्विघ्नात विहव्यपाड विघ्नव्याल गुलाभिमान गरुडो विघ्ने बपंसाननः विघ्नातुंग गिरि प्रभे दनपविर विघ्नाम्बुधेर पाडव विघ्ना घोघ घन प्रचंड पवन विघ्नेश्वर पातु नः नमोस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै नमोस्तु रुद्रेन्द्र जमानिलेभ्यो नमोस्तु चंद्रार्क मरुद्गणेभ्यः रामं रामानुजं सीतां
भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसुतं च प्रणमामि पुनः पुनः ओं देवा आयान्तु यातु धाना अपयान्तु विष्णो देव जजनं रक्षस्व ओम श्रीमन महागणाधिपते नमः नमः हमारे साथ में आप भी बोलेंगे ओम श्रीमन महागणाधिपते नमः ओम लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः ओम उमा महेश्वराभ्यां नमः ओम बाड़ी हिरण्यगर्भाभ्यां नमः ओम सती पुरंदराभ्यां नमः ओम माता पितृ चरण कमलेभ्यो नमः ओम इष्ट देवताभ्यो नमः ओम कुल देवताभ्यो नमः ओम ग्राम देवताभ्यो नमः ओम स्थान देवताभ्यो नमः ओम वास्तु देवताभ्यो नमः ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः ओम सर्वाभ्यो देवेभ्यो नमः ओम सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः ओम एतत्कर्म प्रधान देवताभ्यो नमः ओम सीताय लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न हनुमत समेताय श्रीमद्रामचंद्राय नमः ओम श्री महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती स्वरूपायै त्रिगुणात्मिकायै चंडिकायै जगदम्बायै भगवत्यै श्री दुर्गादेव्यै नमः ओम सिद्धि बुद्धि सहिताय श्रीमन महागणाधिपते नमः। किसी भी कार्य से पहले कर्मकांड में परंपरा है कि हम बाबा भैरवनाथ का स्मरण करते हैं और उन्हीं से हमें कर्मकांड की आज्ञा प्राप्त होती है, तो हम बाबा भैरवनाथ का स्मरण करेंगे। ओम तीक्ष्ण दंष्ट महाकाय कल्पांत दहनोपमा भैरवाय नमस्तुभ्यम् अनुज्ञां दातुमर्हसि भैरवाय नमस्तुभ्यम् अनुज्ञां दातुमर्हसि। पुष्प को वहां भैया चादर हटा दे। एक थाली में हाथ में ले, एक पात्र ले ले उसमें। यह 9 शिलाएं रखी हुई हैं। ये श्री राम पूजित शिलाएं हैं जो 1989 में सारे संसार के राम भक्तों ने पूजन करके भेजी। ऐसी लगभग 2,75,000 शिलाएं, उसमें से पत्थर की ठोस शिलाएं निकाली गई जिन पर जय श्री राम लिखा हुआ है। संकल्प करेंगे, जल पुष्प हाथ में, हाथ में जल पुष्प ले लेंगे। मुंह ढक लीजिए पंडित जी। नियमानुसार जनमान को संकल्प बोलना चाहिए साथ में। आज तो हमारा भी भाग्योदय हुआ है, ऐसे जनमान कहाँ मिलने वाले हैं। आज भारतवर्ष में ऐसे जनमान थोड़े ही मिलेंगे। है सब बैठे में, इधर मुख्यमंत्री, इधर राज्यपाल, इधर हमारे संचालक, उधर महाराज जी। क्या हमारा भी सौभाग्य है, भगवान ने बुला लिया है। हाँ, चक्रवर्ती जनमान तो लगता है कि 10-20 जन्म हम भी इसी समय के लिए ले रहे होंगे। भगवान की अद्भुत कृपा है और बहुत ही मंगलमय वातावरण है, बहुत ही मंगलमय। संकल्प भी बहुत दिव्य संकल्प हम कर रहे हैं। जय श्री राम। अद्य अमुक गोत्र, अपना गोत्र जो लेते होंगे, अमुक गोत्र श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी यजमान स्वराष्ट्र प्रतिनिधिभूत चराचर जीवानां भारत वासिनां विश्व प्राणीनां च सकलारिष्ट दुर्निमित्तोपशमन पूर्वकं निखिल क्षेम सुभिक्ष कल्याण प्राप्तये अनंत ब्रह्मांड नायक
सपरि कर भगवत श्री सीताराम प्रीतये निर्मास्यमान नूतन प्रासादांगभूतं शिलापूजनं परिकरैः सह अहम् करिष्ये। गणेश जी के पास में रखते हैं, पुनः हाथ में जल ले लेंगे। तदंतर्गतं गणपति स्मरण पूर्वकं भूम्यादि पूजनं च एकतंत्रेण करिष्ये। ओम जजाग्रतो दूरमुदैति देवं ततो सुप्तस्य तथैवेति दूरं गमं ज्योतिखां ज्योतिरेकं तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु। हमने भगवान से प्रार्थना की कि हमारा मन शिव संकल्प वाला हो, सत्य संकल्प वाला हो, दृढ़ संकल्प वाला हो, सात्विक संकल्प वाला हो। हे भगवान श्री राम, आप हमें यह शक्ति प्रदान करें। हे शिव, हमें यह शक्ति प्रदान करें, हमने ऐसी अपेक्षा रखी। पुष्प लेकर गणेश जी को प्रणाम करेंगे पुनः पूजन के क्रम में। ओम गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बु फलचारु भक्षणं उमासुतं शोक विनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पादपंकजं। ओम नमामि विघ्ननाशनं गणाधिपं गजाननं प्रसिद्धि सिद्धिदायकं वरप्रदं विनायकं प्रसिद्धि सिद्धिदायकं वरप्रदं विनायकं। ओम स्मरणात्मकं पूजनं समर्पयामि ओम भूर्भुवस्वः सिद्धि बुद्धि सहिताय श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। नमस्कारं निवेदयामि। भूम्यादि पूजनं गंधाक्ष पुष्प अभी पृथ्वी माता का और कूर्म भगवान का भी करेंगे। कूर्म के पृष्ठ पर ही संपूर्ण पृथ्वी माता विराजमान है और वराह देवता का पूजन करेंगे और अनंत शेष नाग भगवान का पूजन अभी करेंगे। कहाँ पर कौन है आप चारों लेकर सकोगे। ओम स्वर्गै कोभिरदो निवासी पुरुषारब्धाति शुद्धान्ध्वर स्वाहाकार वसत्क्रियोथम अमृतम स्वादीय आदीयते आम्नाय प्रवणैरलंकृत दुसे मुस्मै मनुष्ये शुभैर् दिव्य क्षेत्र सरित पवित्र बपुषे दिव्यै पृथिव्यै नमः दिव्यै। भारत के हर नागरिक का सपना हुआ साकार। अयोध्या में सज रहा एक भी पंसद उपस्थित नहीं हुए। इस तरह से प्रमुख